महासंग्राम 2024 का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पाकिस्तान के राहुल गांधी के प्रेम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करारा वार एक बार फिर से किया। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी की जीत की दुआ करते हैं। पहले कांग्रेस पाकिस्तान को लव लेटर लिखती थी और पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजता था। उन्होंने कहा कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है। लोकसभा चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की हुंकार, सब लोगों के प्रणाम। पाकिस्तान के राहुल प्रेम पर पीएम का वार, सबके गोड़ लागती। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने झारखंड के पलामू में रैली की। इस रैली से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के राहुल प्रेम पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया के सामने जाकर रोती थी, जबकि आज पाकिस्तान दुनिया में जाकर रो रहा है और उसके नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांग रहे हैं। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान को लव लेटर लिखती थी और पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजता था, लेकिन आज का भारत नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। ये दृश्य दिखाता है पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार, मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। आज नया भारत डोजियर नहीं बजता, ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं कि मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब कुंठित भी हो गए हैं। पीएम ने गरीबी पर भी कुछ इसी तरह से तंज कसा। जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पावन फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। इधर झारखंड में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया, तो उधर गुजरात के छोटा उदयपुर से गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस पर गरजे। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले मनमोहन सिंह की सरकार में देश में विस्फोट होता था,
पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जिस तरह से हुंकार भरी है उससे 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में असर पड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि 7 मई को तीसरे चरण में 94 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। पीएम मोदी ने झारखंड के पलामू में बोलते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले गरीबी के बारे में क्या जाने। जाके पावन फटे बिवाई, जाके पावन फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज देंगे इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी इस खबर में बता दें आपको कि 12 आरोपियों पर इनाम का ऐलान किया गया है। 12 वांटेड आरोपियों पर एसओजी की तरफ से यह इनाम की घोषणा की गई है। पंकज भांबू पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा ओम प्रकाश भाका एसआई भर्ती पेपर परीक्षा लीक मामले में यह भी आरोपी, 75,000 का इनाम ओम प्रकाश भाका पर रखा गया है। पौरव कालेर पर 50,000 का इनाम रखा गया है। हनुमान मीणा शैतान राम बिश्नोई पर 50,000 का इनाम रखा गया है। छम्मी बिश्नोई विनोद कुमार पर भी 50,000 रुपए की इनाम की घोषणा की गई है एसओजी की तरफ से। इसके अलावा भंवर लाल और दीपक राहड़ पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ है। वर्षा बिश्नोई और सुनील बेनीवाल पर भी 25,000 रुपए की इनाम की घोषणा की गई है। तो एसआई भर्ती पेपर लीक के मामले में 12 आरोपियों के बारे में कोई जानकारी हासिल करने के लिए ये इनाम का ऐलान किया गया। लगातार एसओजी तलाश रही है, लेकिन अभी भी ये फरार चल रहे हैं, तो इनके सुराग के लिए, इनकी गिरफ्तारी के लिए, इनके पकड़ में आने के लिए, इनके बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए इन आरोपियों पर ये इनाम की घोषणा रखी गई है, जिनकी संख्या 12 है। वापस महासंग्राम 2024 की बात करें तो प्रधानमंत्री के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मेरे भाई 4,000 किलोमीटर पैदल चले, देश के लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी, जबकि दूसरी तरफ शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं, वो किसानों महिलाओं की मजबूरी कैसे समझ पाएंगे। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूं ये शहजादे 4,000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। 4 जून के बाद कांग्रेस में एक और टूट होगी, एक कांग्रेस राहुल गांधी की और एक कांग्रेस प्रियंका गांधी की होगी। प्रियंका गांधी इस षड्यंत्र को जानती हैं, और साथ ही राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राहुल को रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी डिमांड पाकिस्तान में ज्यादा है। राहुल गांधी की जो पलायनवादी नीति है, जिस तरह से उन्होंने अमेठी को छोड़ा है, उसके बाद पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। और प्रियंका गांधी जी का चुनाव ना लड़ना,
धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बहुत नेताओं के दिल में एक ज्वालामुखी धधक रहा है जो 4 जून के बाद फटेगा और देश की आजादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है। 4 जून के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ जाएगी। एक धड़ा होगा राहुल गांधी का, एक धड़ा होगा प्रियंका गांधी जी का। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को रायबरेली की जगह रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादास्पद बयान सामने आया। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में आज के भारत की तुलना तानाशाह हिटलर के युग से की है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई हिटलर पर आई। भड़काऊ भाईजान के बयान पर घमासान। ओवैसी के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का पलटवार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी के एक विवादास्पद बयान से सियासी माहौल गर्मा गया। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में ओवैसी ने आज के भारत की तुलना तानाशाह हिटलर के युग से की। यही नहीं, ओवैसी ने भारत में मुसलमानों की स्थिति को हिटलर के युग के दौरान जर्मनी में यहूदियों जैसी बता दी। भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे हम हैं। ओवैसी के इस बयान पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि 4 जून के बाद सभी विपक्षी नेता जय श्री राम बोलेंगे, जबकि कांग्रेस के शशि थरूर ने मुसलमानों की उपेक्षा होने का आरोप लगा दिया। ओवैसी के बारे में मैं क्या बताऊं? He can speak for himself. मैं ये कहूंगा कि मुस्लिम्स का जो अनुभव है कुछ सालों से अच्छा नहीं है हमारे देश में। ये इतिहास में पहली बार है कि कोई मुसलमान MP नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत गलत बात है जो BJP सरकार ने की है। 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। इसके पहले के चुनाव में ये सब जालीदार टोपी लगा करके वोट मांगने का काम करते थे, अब टीका लगा करके वोट मांगने का काम करते हैं। ये 2014 में कमल खिलने का, 10 वर्ष मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने का ये परिणाम है। ANI को दिए इंटरव्यू में ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी की घुसपैठियों वाली टिप्पणी पर भी उनकी आलोचना की, मुसलमानों से नफरत और उनका अपमान करने का आरोप लगाया। लेकिन उनके आज के भारत की तुलना तानाशाह हिटलर के युग से करने पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। चुनावी प्रचार में अमित शाह ने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा चुनाव लड़ने के लिए यहां से वहां भाग रहे हैं। राहुल पर निशाना साधते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुना। अमित शाह ने राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया है, बड़ा हमला बोला है, कहा है कि क्रैश होने वाला है राहुल नाम का यान, और उन्होंने कहा है कि राहुल चुनाव लड़ने के लिए यहां से वहां भाग रहे हैं, दिक्कत सीट में नहीं है बल्कि आप में। कई और बड़े आरोप राहुल गांधी पर अमित शाह ने लगाए। पहले हमें क्या आज हालत हुई राहुल, पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों,
ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। मोदी जी ने तो एक ही बार चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसको लैंड भी कर दिया। ये राहुल नाम का यान जो है सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया मगर लैंड करने का नाम नहीं देता है भाई। अबे 21वां ट्रायल है, देखो क्या होता है। मुझे मालूम है 21वां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है, लैंड नहीं कर पाएगा। नो, मैं देश भर में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह जाता हूं, हर जगह से इसी प्रकार से मोदी 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 की आवाज कानों में गूंजती आ रही। देश की जनता तय कर बैठी है कि 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को बहुमत देना है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में रोड शो किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस को अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि हमारा देश इस बीमारी से कई वर्षों तक ग्रसित रहा, लेकिन 2014 में एक परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी। तो बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची, रोड शो की तरफ से किया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस को अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारा देश इस बीमारी से कई दशकों तक ग्रसित रहा, लेकिन 2014 में एक परिवर्तन हुआ। 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूं, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। और एक तरफ ये है जिनका ना कोई चरित्र है ना ही कोई संस्कार, इनको खुद नहीं पता ये कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्य हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, या अखिलेश यादव हो जाए जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी एक शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की है कि ये महिला जो है अपवित्र है, जबकि मैं पद्मश्री अवार्ड से मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है, तो तब भी उन्होंने मुझे कहा कि ये अपवित्र है, इसको यहां से चले जाना चाहिए। ये हमारे लिए चिंतनीय बात है, निंदनीय बात है। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिलने के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि धमकी के विरोध में कोटड़ा कस्बे को बंद किया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी की जान को खतरा, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी धमकी, वक्त रहते सुधरने की चेतावनी। मंत्री बाबूलाल खराड़ी को मिली धमकी के बाद में कोटड़ा कस्बे में खासा आक्रोश व्याप्त है और यही वजह है कि आज सुबह से कोटड़ा कस्बे के सभी बाजार बंद हैं और व्यापारियों ने और बाबूलाल खराड़ी के समर्थकों ने पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस से ये मांग की है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। छाड़ोल से विधायक और भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस महकमा एक्टिव हो गया है। झाड़ोल थाने में विधायक बाबूलाल ने केस दर्ज कराया है। ये पहला मौका नहीं है जब बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली। इससे पहले जनवरी महीने में भी उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। धमकी के विरोध में कोटड़ा कस्बे को बंद किया गया, वहां के लोगों ने उनकी सुरक्षा पुख्ता करने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। कैबिनेट मंत्री खराड़ी कोटड़ा के रहने वाले ही हैं। हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी को जान से मारने की धमकी दी गई है, उसी को लेकर कोटड़ा
गांव के सभी जो हमारे निवासी है भाई है उनके अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है, रोष है, उसको उसके विरुद्ध जिसने भी धमकी दी है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके तार कहां से कहां जुड़े हुए हैं उसकी गहन से सरकार जांच करे और बाबूलाल जी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मंत्री बाबूलाल खराड़ी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करके धमकी दी गई जिसे आदिवासी राजा नाम के एक अकाउंट से किया गया था जिसमें धमकी भरे शब्दों में लिखा था, राजनीति एक तरफ होती है लेकिन तू बाबूलाल खराड़ी समय रहते सुधर जा और समय रहते नहीं सुधरा तो तू थोड़े ही दिन का मेहमान है और बिना फितरत किए मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जो तूने आदिवासियों के खिलाफ जहर बोया है उसका नतीजा तेरे सामने होगा। जो तूने आदिवासियों के खिलाफ जहर बोया है उसका नतीजा तेरे सामने होगा। आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू धर्म में घुसाने का काम कर रहा है, वो जितना हो सके उतना जल्दी उसे मुद्दे से हट जा नहीं तो भगवान राम को प्यारा हो जाएगा। आदिवासी हिंदू धर्म को नहीं मानता, आदिवासी प्रकृति पूजक, उसकी संस्कृति हिंदू धर्म से अलग। जय जोहार। राजनीति करनी है धर्म के नाम पर मत कर, बस तू खराड़ी लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले तेरा परिणाम आ जाएगा। जनवरी महीने में भी खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली, पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया था लेकिन युवक ने नशे की हालत में धमकी की बात स्वीकार की थी जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया था लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है। ये 3 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पर एक किसी ने पोस्ट डाली हुई है, पोस्ट ये डाली है कि भाई तुम सुधर जा, तू सुधर जा, ऐसा शब्द उपयोग किया है कि तू समाज के लिए ठीक नहीं कर रहा है, आदिवासी को हिंदू बना रहा है और इसका अंजाम बुरा होगा, इस प्रकार कई प्रकार की लैंग्वेज लिखी है। मैंने आईजी से बात की, एसपी से बात की है और उसके बाद में थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, वो पुलिस का काम है, पुलिस जांच करेगी जो भी लोग सामने आएंगे। हालांकि उनकी पोस्ट पर 3 दिन पहले ये कमेंट किया गया लेकिन उसे देखने में देरी हुई। मामले की जानकारी आईजी अजय पाल लांबा और एसपी योगेश गोयल को दे दी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस कर रही है, हालांकि अभी तक कोई ठोस पुलिस को पुख्ता सुराग जो है वो नहीं मिले लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जिस सोशल मीडिया हैंडल से बाबूलाल खराड़ी को धमकी मिली है उसे जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए, उसे कौन चला रहा था ये भी पता लगाया जाए ताकि धमकी देने वाले धमकीबाज को सलाखों के पीछे डाला जा सके। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही, आप बन रही है न्यूज 18 राजस्थान के साथ।